नमस्कार दोस्तों, जॉन इब्राहिम द हैंडसम हंक ऑफ बॉलीवुड, जिन्होंने बॉलीवुड में एक्शन और फिटनेस से जगह बनाई। मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाले जॉन एमबीए ग्रेजुएट हैं। एमबीए के बाद जॉन कई सालों तक एक एड एजेंसी में ऑन स्क्रीन जॉब का हिस्सा रहे। इस जॉब के लिए उन्हें हर महीने केवल 6,500 रुपए मिलते थे। आज यही जॉन करीबन 270 करोड़ रुपए के मालिक है। कॉमिक से लेकर रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाने वाले जॉन अपनी अगली फिल्म पठान को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म के लिए जॉन ने करीबन 20 करोड़ रुपए फीस चार्ज की है। पठान के ट्रेलर आने के बाद ऐसी खबरें आई कि वो फिल्म से नाखुश चल रहे हैं। इसके बाद जॉन ने सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट जारी कर इस बात का खुलासा किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जॉन इब्राहिम के फुटबॉल के लिए दीवानगी किसी से छिपी नहीं है। बॉलीवुड स्टार बनने से पहले वो देश के लिए फुटबॉल खेलना चाहते थे। गार्जियन को दिए गए एक इंटरव्यू में जॉन ने कहा था कि जिस समय उन्होंने स्कूल और कॉलेज फुटबॉल टीम की कप्तानी की, उस समय खेल में इतना पैसा नहीं हुआ करता था। इसी वजह से उन्होंने पढ़ाई का रास्ता चुना और एमबीए किया। लेकिन खेलों में अपने शौक को आज भी जॉन ने जीवित रखा है। इसलिए जॉन इंडियन सुपर लीग में एक फुटबॉल टीम के मालिक हैं, जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। वैसे जॉन ने फुटबॉल पर गोल नाम की एक फिल्म भी की है। दोस्तों, जॉन मिक्स्ड फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता केरल के एक मलयाली ईसाई हैं और उनकी माँ ईरानी है, गुजरात से हैं। जॉन का फारसी नाम फरहान अब्राहम है। मुंबई में पले बड़े जॉन के पास मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट से एमबीए की डिग्री है। बात साल 2002 के बाद की है, जब महेश भट्ट अपनी फिल्म जिस्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। महेश भट्ट को एक ऐसा फ्रेश चेहरा चाहिए था जो पर्सनालिटी में संजय दत्त जैसा दिखता हो। उनकी यह तलाश जॉन पर आकर खत्म हुई। उन्होंने जॉन से कहा कि जिस फिल्म के लिए उन्हें लेना चाहते हैं वह लीक से हटकर है। जॉन ने महेश भट्ट की सारी शर्तों को माना और फिल्म जिस्म के लिए साल 2003 में डेब्यू किया। इस फिल्म में उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। जॉन अब तक करीब 40 फिल्मों में बतौर एक्टर और 7 फिल्मों में बतौर प्रोड्यूसर काम कर चुके हैं। जॉन मुंबई के आलिशान पेंट हाउस में रहते हैं। उनके इस घर को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर डिजाइनर से बेस्ट होम का अवार्ड भी मिल चुका है। जॉन ने समंदर किनारे मौजूद अपने इस घर का नाम विल्ला इन द स्काई रखा है। जॉन का मानना है कि घर की पर्सनालिटी को रिलेक्ट करता है, इसलिए उन्होंने इस घर को सिंपल और क्लासी तरीके से डिजाइन करवाया है। ये घर सिर्फ फेसिंग पेंट हाउस है, जहाँ से अरब सागर का खूबसूरत नजारा दिखता है। इसमें स्पेशलिस्ट लिविंग रूम के साथ जिम भी स्थित है। जॉन बाइक्स के कितने शौकीन हैं? 2021 में अमिताभ बच्चन के शो केबीसी में जॉन ने बताया था कि उनके पास कुल 18 बाइक्स हैं। इस बाइक कलेक्शन में BMW S1000RR, यामाहा B-Max के साथ कावासाकी जिनका ZX14R जैसी बाइक शामिल है। जॉन सिर्फ बाइक के ही शौकीन नहीं है, उन्होंने अपने कलेक्शन में कई फोर व्हीलर यानी कार्स को भी शामिल कर रखा है। जॉन के गैरेज में कई लग्जरी कार मौजूद हैं, जिनमें निशान GTR ब्लैक एडिशन, ब्लैक लेम्बोर्गिनी गैलार्डो से लेकर एक ब्लैक फरारी शामिल है। जॉन इब्राहिम सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बल्कि अन्य बिजनेस से भी कमाई करते हैं। ये तो सब जानते हैं कि जॉन कितने बड़े फिटनेस फिक्र हैं। खुद फिट रहने वाले जॉन दूसरे को भी फिट रखने के लिए जिम चेन चलाते हैं। एक जिम मुंबई के वर्ली में तो दूसरा महाराष्ट्र के पुणे में है। इसके अलावा जॉन का दिल्ली में फैट अब्राहम वर्गर नाम से एक रेस्टोरेंट भी है। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।